जस्टिस आसिफ सईद खोसा मुल्क के 26वें चीफ जस्टिस बन गए हैं। डेरा गाजी खान से इनका ताल्लुक है। बरतानिया से कानून की डिग्री इन्होंने हासिल की। 4 किताबों के ये मुसन्निफ भी हैं। और आपको ये बताएं कि आज तो वो चीफ जस्टिस बन गए, लेकिन इसी साल दिसंबर 2019 में वो रिटायर भी हो जाएंगे। इनकी प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी और नवाज शरीफ को नाअहल करार देने वाले बेंचेस के ये सरबरा थे। 3 नवंबर 2007 की इमरजेंसी के बाद परवेज मुशरफ के पीसीओ के तहत हल्फ उठाने से भी इन्होंने इनकार किया था। लोगों का फैसला करो तो इंसाफ के साथ फैसला करो और अमानत वालों की अमानतें लौटा दो। बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉर्च्यून देयर इज ए क्राइम। पनामा केस के फैसले के ये अल्फाज जो गॉडफादर नामी नावल से अखज किए गए नामजद चीफ जस्टिस जस्टिस आसिफ सईद खोसा की शनाख्त बन चुके हैं। अपनी तालीमी काबिलियत और सबसे ज्यादा फैसले तहरीर करने की शोहरत रखने वाले जस्टिस आसिफ सईद खोसा 21 दिसंबर 1954 को डेरा गाजी खान में पैदा हुए। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से MA के बाद आला तालीम के लिए जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने बरतानिया का रुख किया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से 1977 और 1978 में उन्होंने कानून की 2 डिग्रियाँ हासिल की। तालीम हासिल करने के बाद वो 1989 में वतन वापस आए और लाहौर हाई कोर्ट से वकालत का आगाज किया। 1985 में सुप्रीम कोर्ट के वकील का दर्जा हासिल किया। 20 साल वकालत के बाद जस्टिस आसिफ सईद खोसा 21 मई 1998 में लाहौर हाई कोर्ट के जज मुकर्रर हुए। 2010 में सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर तरक्की पाई और मुनसफी के सफर में अब जस्टिस आसिफ सईद खोसा मुनसफे आला की दहलीज पर कदम रख चुके हैं।